Oh, 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 oh
उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झांको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का देश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन भाई में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पानी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से मजा लड़ाएंगे लड़ाएंगे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
उठवा उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश नदी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाँको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का देश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन भाई हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी भाई महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से मजा लड़ाएंगे लड़ाएंगे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यारा चली 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 भारत जोड़ो यारा चली 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 भारत जोड़ो यारा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली
तूफान उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाँखो रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का देश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन पार्टी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मारेंगे बेरोजगारी से मंजा लड़ाएंगे ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है
Thank you.
Oh,
उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश नदी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक मेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाँखो रंग सफेदे हुए ये इंद्रधनुष का देश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन पानी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पानी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से बच्चा लड़ाएंगे लड़ाएंगे ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 Thank you.
We'll be right back.
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश में दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाखो रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का देश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन पार्टी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से बच्चा लड़ाएंगे लड़ाएंगे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 Oh, 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 oh
Oh,
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश में दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाँखो रंग सफेद हुए ये इंद्रधनुष का देश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन पानी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पानी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से बच्चा लड़ाएंगे लड़ाएंगे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 Thank you.
उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाँको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का देश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन पार्टी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से मजा लड़ाएंगे लड़ाएंगे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा इस देश में चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे क्योंकि आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो जमीन पे उतर के लोगों से मिलके और लोगों का विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। ईश्वर ने हमको कुछ कमियां दी है उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं लेकिन सरकारों की तरफ से हमको पावर दिया जाए क्योंकि जिस व्हील चेयर के सहारे आपके साथ चले हैं तो ये व्हील चेयर एक सहारा है इस तरह से सरकारें अगर हमारा सहारा बने तो हम आपकी तरह देश और दुनिया की जो चीजें हैं हासिल कर सकते भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने जो हमको संबल दिया आत्मविश्वास दिया ताकत दी हमको बहुत बड़ा इसका एहसास हो रहा है आप ज्यादा से ज्यादा इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ही देश के अंदर एक उम्मीद और विश्वास दिखाई दे रही है इसके अलावा हम लोगों को कोई सहारा नहीं दिख रहा है क्योंकि देश में आज जो परिस्थितियां हुई है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत कर रहा है ऐसी स्थिति में राहुल जी से हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है और राहुल जी हमारे इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। मेरा नाम भगवतीलाल पाटीदार है मैं जिला रतलाम से आता हूँ मैं खेती किसानी करता हूँ जो वादे जो भाजपा की सरकार में किए थे जो किसानों की आय दुगनी हो गई
सर हमारी तो दुगरी नहीं और कम हो गई, हमारा यूरिया खाद नहीं मिल पाया और किसान आज सड़क पे खड़ा है, ना प्याज के ना लहसुन के भाव मिल पा रहे हैं। इतना बर्बाद हो चुका है इन किसान की जिसकी कोई हद नहीं है। इस यात्रा में जो चल रहे हैं बुजुर्ग लोग चल रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, जिससे एक दूसरे को सम्मान मान सम्मान मिल रहा है और जिसमें कोई भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं है, किसान मजदूर कर्मचारी अधिकारी सब मिल रहे हैं। उन्होंने हमारे हाथ से हाथ और हमारे कंधे पर हाथ रखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि किसान के हाथ पर किसी नेता का कंधे के ऊपर हाथ है तो मतलब हम जरूर किसानों का भला होगा। भारत जोड़ो यात्रा में अगर हम सब किसान जुड़ रहे हैं और उससे अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, किसानों के हित की बात करें, किसानों के हित की लड़ाई लड़ेगा। हम लोग इंदौर से आए हैं, बाड़ंगा क्षेत्र से। लोग ना घरेलू हिंसा से पीड़ित है, मैं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद का काम करती हूँ। एमवाई हॉस्पिटल में जो मेल एमएलसी जो आती है, जो महिलाएं मरने की कोशिश करके और एमवाई हॉस्पिटल आई जाती हैं, उन महिलाओं की मदद करने का कार्य कर रही हूँ। और मैं 10 साल पहले खुद भी पीड़ित ही थी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं तो सीधे सीधे हमको एफआईआर नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए। लगा ही नहीं कि बहुत बड़े नेता जी है, हमें ऐसा लगा कि बहुत मेरा मतलब अपने करीब के हैं, उन्होंने इतने प्यार से मिले ना हमसे तो बहुत अच्छा लगा। कानून तो बहुत बना है महिलाओं के लिए पर शेल्टर नहीं है महिलाओं को इमीडिएटली, अगर रहने के लिए कुछ जगह स्पेस चाहिए होती है तो। और दूसरा बच्चियों के लिए सुरक्षा नहीं है, लिंग भेदभाव अभी भी हो ही रहे हैं, भले ही कितने कानून बना दिए गए हैं, इसलिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं। मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ी उदास लग रही थी, मैंने सोचा ये उदास क्यों है। लोगों को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अब तो हमारी कांग्रेस आना ही है। अच्छा लगा, थैंक यू। I'm Arpita Chatterjee. I'm a scriptwriter. I write stories and films in Bollywood. I came to join the Padyatra that Rahul Gandhi is doing because I believe in India, which is not torn apart by identities. I believe in a united India, in a secular India. Rahul Gandhi is philosophical in the way he deals with life and people, and he suffered a lot of trauma. So I was asking him how he navigates that. Trauma is something that is an opportunity for you to show your character and to deal with it and to become more empathetic. He really channels that to connect with people. Namaskar. I What you do is you look at their struggle. Right. At the moment you look at their struggle, they see that you're looking at their struggle. And it takes a huge load off them. Rahul Gandhi has what it takes to bring people together. It's important to show our solidarity with him. Really important for civic society to take a stand to claim the kind of country they want. I think it's a historic walk and I feel very privileged that I could come and take part in it for a day. मेरा नाम लक्ष्मी कौरव है और वर्तमान में मध्य प्रदेश आशा सहयोगी श्रमिक संघ में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य संभाल रहे हैं। आशा के रूप में काम करना शुरू किए थे, उस टाइम हमें इतना पर्याप्त समय था हमारे पास कि हम अपने घर परिवार की देखरेख कर सके। हमारा
हमारा काम है कि हम अपने समुदाय को कुपोषण से बचाएं, एनीमिया होने से बचाएं, लेकिन हम इतना कार्य में व्यस्त हैं, दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं कि हम खुद ही कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, हम उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहे। लॉकडाउन में सर हमारा वर्कर ने कितना काम किया, उसके कारण से WHO ने भी सर हमारा सम्मान किया, लेकिन हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार हमारा नाम तक नहीं लेती, जबकि लॉकडाउन में घर पे रहने वाली महिलाओं को 500 रुपए दिए, हम लोगों ने फील्ड में काम किया, मगर हमारे लिए कुछ है। केंद्र सरकार की ओर से 66 रुपए प्रतिदिन पर आशा वर्कर को घर से बाहर काम के लिए मजबूर किया जाता है, और पल पल भर ये दबाव कि हम आपको नौकरी से हटा देंगे, आपका न्यूनतम वेतन नहीं पा रहे, आपका फंड नहीं पा रहे, आपकी पेंशन नहीं पा रहे, तो फिर हमें हटाने का आपके पास अधिकार भी कहां से आया। हमारे मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार है, वहां हम जब भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जाते हैं या अपनी बात करने के लिए जाते हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है। हम इस 16 महीने के आंदोलन में 13 बार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हमारा ज्ञापन आज तक मुख्यमंत्री जी ने ना लिया है ना सुना है। हम ये चाहते हैं सर, 2013 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो श्रम सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित किया था कि आशा कर्मियों को योजना कर्मियों की तरह भी ग्रेच्युटी फंड बीमा इसका सबका लाभ दिया जाएगा, तो वो सर लागू किया जाए। राहुल गांधी जी ने आज जो बात कही है, जो उन्होंने जो व्यक्तित्व दिखाया है, उससे हम लोग प्रभावित हैं। भारत जोड़ो यात्रा से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि देश का हर एक व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े और इसे सफल बनाए। यात्रा ज्वाइन करने से पहले हमें लग रहा था कि हम कैसे चलेंगे इतना, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया मैं कंटिन्यू चल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन की तरह एकदम चल रही हूँ उनके साथ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा नाम देवकी पटेल है और मैं डाइटिशियन हूँ। हर स्टेट के लोग आए हुए हैं, छोटे से छोटे गांव के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, और हर लोग उन्हें बहुत प्यार बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। जब हमें उनसे मिलना होता है हम बहुत दौड़ते हैं, मैं गिरी भी हूँ, मुझे लगा भी है। मैं एक बहुत छोटी फैमिली से आती हूँ, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे, उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी 2012 में, मैं अकेले ही सरवाइव करती हूँ, लेकिन आज जब राहुल जी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं उनके साथ चली, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं, हमारा लीडर है हमारे साथ, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। राहुल जी इतने सरल इंसान है, वो सबको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यूथ को वो सपोर्ट कर रहे हैं इतना, और हमारा जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल जी कंटिन्यू चल रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि देखिए हम चल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ है, तो हम चाहते हैं कि हम उससे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े और उनके साथ चलें। मोदी जी की सरकार आने के बाद मैं ऑथेंटिक आंकड़ों पर बात कर रहा हूं, जितने भी पेस्टिसाइड है 4 गुना रेट हो गए, और फसल का जो रेट है वो 4 गुना कम हुआ है। पूरे देश में किसानों की कमर तोड़ने के लिए विदेशी कंपनियों को यहाँ लाया जा रहा, व्यापार किया जा रहा, जनता भी राहुल जी को समझ रही है, और हम किसानों की धरातल वाली समस्या भी राहुल गांधी जी को पता है, लेकिन हिंदुस्तान का वासी अगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुआ तो अपने मनुष्य जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग छूट गए हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसान भाइयों से, गरीब से, आदिवासी से, मजदूर से, व्यापारी से, छोटे व्यापारी से, आओ मिलकर हिंदुस्तान को जोड़ लो, और हिंदुस्तान तो जुड़ रहा है पर आपकी भागीदारी उपस्थित करा दो, यही मैं अनुरोध करना चाहता। मेरा नाम हाफिज हारून है और मैं सोशल वर्क करता हूँ बीड़ी श्रमिकों के बीच में। हमको लगा कि ये बहुत अच्छा कदम राहुल जी ने उठाया है। हम राहुल जी से मिले और अपने प्रदेश की बात को रखें। हमारे प्रदेश में जो है 30 लाख बीड़ी श्रमिक हैं, जिसमें 70% जो है महिलाएं बीड़ी बनाती हैं।
ऐसे जो है महिलाओं के खातिर और गरीब मजदूरों के खातिर जो है हम उनकी बात को जो है उनकी आवाज को राहुल जी तक पहुंचा दें, ताकि जो है वो शोषित और पीड़ित। अभी तो देश की स्थिति सर इतनी खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देश को ये डुबा दे। और जो है देश के अंदर सांप्रदायिकता, भेदभाव और पूंजीवाद और जातिवाद और जो है खासकर जो है चंद लोगों की मुट्ठी में देश आ रहा है। हम चाहते हैं कि कैसे खत्म हो और कब खत्म हो, ताकि जो है समाजवाद हमारे देश के अंदर लागू हो, गांधीवादी लोग पैदा हो, ताकि देश के अंदर जो है भेदभाव और जो है तमाम सांप्रदायिकता खत्म हो करके हम सद्भाव के साथ जिए और दूसरों को भी जो है जीने की सलाह दें। पहली बार किसी इतने अच्छे नेता से मिले हैं और आज हमको वाकई अच्छा लगा और हमारे साथी भी बहुत खुश हुए। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। इसी मिट्टी को तो अपना हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को ही हिंदुस्तान कहते हैं। इंदौर को कवियों की और शायरों की धरती कहा जाता है। पहले इंदौर का नाम भगवान इंद्रदेश महादेव के नाम पर इंदिरापुर था, जिसको बाद में बदलकर इंदौर कर दिया गया। वातावरण भी शांत है, हर चीज शांति से है, यहाँ के लोग भी बहुत दिल खुश व्यक्ति है। यहाँ की जब आप सड़कें देखोगे, इतनी साफ सुथरी सड़कें मैंने अपने जीवन में हमारे देश में तो नहीं देखी है। यहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो भाषा है, उसमें जो मिठास है, और यहाँ पर हमेशा मोहब्बत का पैगाम ही लेकर इंदौर चली है। इसको मिनी मुंबई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियां बहुत है और देश की जो मिनी फाइनेंशियल कैपिटल भी इंदौर को कहा जाता है। महंगाई, लाचारी और किसी को बोलने का अधिकार नहीं, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। जो राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा करके आपस में जो नफरत है उसको मिटा के प्रेम से रहें, यही मैसेज हम भारत जोड़ो यात्रा से पूरी दुनिया में दे रहे हैं। राष्ट्रपति की हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। मेरा नाम है अनिल सतगोपाल। शिक्षा को के आंदोलन में मेरा पूरा समय जाता है। देशभर में जन आंदोलन बनाने के लिए शिक्षा के सवाल। मैंने राहुल गांधी जी को कहा कि मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है और चिंता है, आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक योगदान दिया है भारत को भारत बनाने के लिए, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी किसी को बताती नहीं है और इसलिए लोगों को पता भी नहीं। तो मैंने दो तीन जल्दी जल्दी छोटे छोटे उदाहरण दिए। बांग्लादेश के मुक्ति की लड़ाई कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती और इंदिरा गांधी जी नहीं होती, आज बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान होता। इतनी बड़ी भौगोलिक और राजनीतिक परिवर्तन देश में हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में हुआ, ये बात देश को कौन बताएगा। नहीं, राहुल गांधी जी ने बहुत ऊंची बात कहा, उनको 3000 साल का जो इतिहास है उसमें जो गड़बड़ हुई है वो देश की जनता के सामने लानी होगी। तो मैं उनसे सहमत हूँ। कुछ विद्यार्थी हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के जिन्होंने काम किया है राहुल गांधी जी के साथ, वो मुझे बताते रहे कि राहुल गांधी जी बहुत गहराई से वो समझते हैं भारत के इतिहास को, लेकिन आज मुझे लगा वो मेरे युवा साथी जो कह रहे थे इनके बारे में सही था। राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछा, आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतने के लिए नहीं निकाल रहा, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि देश के लोगों को भारत क्या है, भारत का DNA क्या है, भारत का इतिहास क्या है, ये समझना है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है देश को जोड़ने के लिए।
मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए चली 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 भारत जोड़ो यात्रा
यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाँको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का देश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ी रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन वाली में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी परिपाटी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से बचा लड़ाएंगे लड़ाएंगे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली